हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रवि SP00। लेट्स स्टार्टेड वीडियो। दोस्तों, मैं आज आपको प्रश्नावली 5.1 सांतत्य तथा अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, न्यू NCERT के माध्यम से कक्षा 12वीं क्लास गणित मैथमेटिक्स, दोस्तों सत्र 2022-2023। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन 9, 9 और 10 दो करवाऊंगा। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है FX बराबर, यहाँ पर एक फलन ये दिया है, एक फलन ये दिया है कि एक्स अपॉन मोड के अंदर एक्स है यदि X > 0 है, एक FX -1 यदि X > 0 है। तो दोस्तों देखिए, हम इस फलन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या f को पुनः व्यवस्थित करने पर, दोस्तों FX यहाँ पर हमने किया सॉल्व किया तो माइनस आएगा, क्योंकि दोस्तों x है जो कि 0 से छोटा है, तो दोस्तों इसलिए कंडीशन हमें माइनस में लेनी पड़ी। ध्यान से देखना, आपको कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर प्रतिबंध दिया है कि X > 0 यानी एक्स 0 से छोटा है, 0 से छोटा यानी माइनस में, तो माइनस लेना होगा क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा। दूसरा, ये माइनस में है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि जब हमें दिया है दोस्तों कि X > 0 यानी X 0 से छोटा है, तो दोस्तों यहाँ पर भी एक कंडीशन ही है, FX -1 क्या रहा है। अगर दोस्तों X = 0 है तब भी दोस्तों क्या रहा है कि FX - 1 आ रहा है, और दोस्तों X > 0 यानी X 0 से बड़ा है तो भी दोस्तों FX - 1 आ रहा है। तो दोस्तों हम लिखेंगे कि FX का प्रांत सभी वास्तविक संख्याएं हैं और हम सी कोई संख्या बोले तो दोस्तों वास्तविक संख्या FX के प्रांत की लेते हैं। तो दोस्तों कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर FX = -1 आया है, तो दिस आया नहीं दोस्तों, यह फलन है, दिया गया फलन। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें सी लिया कोई, तो यहाँ पर छोटे बड़े होने के कारण हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर यह कंडीशन देखते हैं। तो दोस्तों ये तीन में सेम आ रहा है, तो हमें एक देखते हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं करना इसको, कैसे कंडीशन इस सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। जमा आसान है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या करेंगे आगे कि FX के स्थान पर C का प्रयोग करना है हमें, और -1 है क्योंकि -X 1 के आगे कोई भी X नहीं है, तो इसलिए हमें C नहीं रखना, FC = -1। तो दोस्तों इस लिमिट के अंदर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, लिमिट के अंदर करेंगे तो FX की सीमा 0। तो दोस्तों आगे लिमिट X की सीमा 0 और FX दोस्तों यहाँ पर -1 है, तो दोस्तों यहाँ पर हम कह देंगे कि FC। तो दोस्तों सेम सभी में सेम आया है कंडीशन, देखिए यहाँ पर सभी में सेम आई है, तो हम ऐसा लिख कर सकते हैं यहाँ पर बराबर है FC। तो देखें दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x की सीमा 0 FX = FC, ये कर देंगे, चूंकि FX एक संतत फलन है, असंतत का कोई बिंदु FX में नहीं है,
एहसान तत्ते का कोई बिंदु एफ एक्स में नहीं है। ओके दोस्तों, इसके साथ ये सवाल पूरा होता है। अब मैं आपको सवाल क्वेश्चन नंबर 10 का बताऊंगा, आंसर 10। मैं आपको पहले प्रश्न दिखा देता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, फलन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक यदि एक्स ग्रेटर देन या बराबर एक है तो फलन। दूसरा फलन है एक्स स्क्वायर प्लस एक यदि एक्स ग्रेटर देन एक है। तो दोस्तों यहाँ पर तीन कंडीशन होगी, एक तो ग्रेटर देन यहाँ पर है, बराबर भी है, यहाँ पर दो दो चरण होंगे, यहाँ पर एक चरण यहाँ से निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं वीडियो को शॉर्ट करता हूँ। आंसर नंबर 10, जब प्रतिबंध हमें दिया हो, देखिए दोस्तों हमें आपको बता दिया, अच्छे से क्लियर कर दिया आपको क्वेश्चन। यहाँ एफ एक्स का प्रांत सभी वास्तविक संख्या हैं, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। दोस्तों मानना सी कोई संख्या यानी वास्तविक संख्या एफ एक्स फलन के प्रांत में है। तो दोस्तों मैं आपको चरण बता दूं, कितने चरण होंगे। सी पहला चरण होगा, तीन चरण होंगे, दूसरा और तीसरा। पहला चरण होगा सी ग्रेटर देन एक, सी बराबर एक, सी ग्रेटर देन एक। तो दोस्तों यहाँ पर जब चरण बताता हूँ, चरण फर्स्ट कि जब हमें प्रतिबंध दिया हो सी ग्रेटर देन एक, इसका अर्थ यह होगा कि सी एक से छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पर फलन दिया गया, फलन तो दोस्तों हमें फलन दिया है एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक। तो दोस्तों जब छोटे बड़े की बात हो तो दोस्तों हमें सी का प्रयोग करना होगा, एक्स के स्थान पर सी का, सी एफ सी यानी सी स्क्वायर प्लस एक। अब दोस्तों इसे लिमिट के अंदर करना होगा, लिमिट एक्स की सीमा सी और फलन एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, पर फलन दोस्त दिया है लिमिट एक्स सी, फलन होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक। इस लिमिट को हटाने के लिए एक्स के स्थान पर हमें सी का प्रयोग करना होगा, सी स्क्वायर प्लस एक। ओके दोस्तों देखिए यहाँ पर यह है, यह कंडीशन समान आई है। तो दोस्तों ये क्या लिखेंगे कि लिमिट एक्स की सीमा सी एफ एक्स बराबर एफ सी समान है, तो लिखेंगे कि एक से सभी वास्तविक छोटी संख्याओं के लिए, वास्तविक छोटी संख्याओं के लिए फलन संतत है। ओके दोस्तों, अब चरण सेकंड सॉल्व करेंगे दोस्तों। जब सी बराबर एक दिया हो, दोस्तों यहाँ पर बराबर का निशान है, यानी कि हमें फलन एफ एक्स सोल्व करना होगा, एल एच एल सोल्व करना होगा और आर एच एल सोल्व करना होगा। अगर दोस्तों ये तीनों अगर बराबर आते हैं तो ये फलन संतत है, अगर ये तीनों इनमें से एक भी अगर बराबर नहीं आता तो ये फलन असंतत हो जाता दोस्तों। तो दिया हमें क्या दिया है, दिया गया फलन, देखिए दोस्तों यहाँ पर यह फलन दिया है और x के स्थान पर एक का प्रयोग करेंगे या c
बराबर एक, तो एफ एक बराबर एक प्लस एक, तो दोस्तों एक प्लस एक दो होते हैं। अब दोस्तों हम एफ एक्स को सोल्व किया है, अब आर एच एल को सोल्व करेंगे, एल एच एल। ओके दोस्तों, कैसे करेंगे कि लिमिट एक्स की सीमा एक माइनस, क्योंकि एल एच एल के अंदर माइनस में लिया जाता है निशान एफ एक्स। ओके दोस्तों, अब लिमिट एक्स एक, दोस्तों इसका अर्थ यह हुआ कि एक माइनस है यहाँ पर, इसका अर्थ यह हुआ कि एक्स एक से छोटा है। तो दोस्तों जब छोटा है तो फलन यहाँ पर फलन क्या होगा, यहाँ पर फलन होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस एक। ओके, और इसे सॉल्व करने के लिए हम इस लिमिट को कटाने के लिए यहाँ एक्स के स्थान पर एक का प्रयोग कर देंगे, पुट करने की, पुट करो तो मान सकते हैं, परंतु यह अच्छी विधि है, आपको सवाल अच्छे से आ जाएगा इससे। तो दोस्तों एक का स्क्वायर एक ही होता है, देखते दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक का स्क्वायर एक होता है, तो यहाँ पर दो हो गए। अब हम आर एच एल, आर एच एल सोल्व करते हैं। तो पहले लिमिट एक्स पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आ गया दोस्तों कि आर एच एल के अंदर एक प्लस में दिया जाता है, तो एफ एक्स, देखिए दोस्तों लिमिट एक्स ए पॉजिटिव, दोस्तों इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर एक्स एक से बड़ा है, एक्स एक से बड़ा है, तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, तब हम यहाँ पर फलन, हमारा फलन होगा एक्स प्लस एक बराबर, यहाँ पर इस लिमिट को हटाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका एक्स की जगह एक का प्रयोग करेंगे, एक प्लस एक दोस्तों दो आया है। देखिए दोस्तों वहाँ पर आर एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए समान है, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि एफ, चूँकि एफ एक्स फलन है जो एक्स बराबर एक पर संतत है, एक पर संतत है। तो दोस्तों अब चरण थर्ड, लास्ट चरण है दोस्तों दसवीं क्वेश्चन का आंसर में, दोस्तों जब प्रतिबंध दिया हो सी ग्रेटर देन एक, अर्थात सी एक से बड़ा है, तो दिया गया हमें फलन किया है, दिया गया फलन फ्रेंड्स क्या दिया गया फलन हमें, एफ एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक, ये दिया हुआ। तो दोस्तों जब प्रतिबंध जब छोटे बड़े यानी बराबर न होकर के छोटा बड़ा हो, तो हमें एक्स के स्थान पर सी का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एप्स एक्स स्थान पर सी, एक्स के स्थान पर सी का प्रयोग, सी प्लस एक दोस्तों हो गया। अब हम लिमिट के अंदर, लिमिट एक्स की सीमा सी, एफ एक्स बराबर, तो दोस्तों हमें क्या करना है, लिमिट लिख देंगे एक्स की सीमा सी लिख देंगे, और यहाँ पर फलन क्या है दोस्तों हमारे पास, हमारे पास फलन एक्स प्लस एक है। तो दोस्तों इस लिमिट को हटाने के लिए हमें करना होगा एक्स के स्थान पर सी का प्रयोग करना होगा, सी प्लस एक। देखिए यहाँ पर भी समान है एफ एक्स, और यहाँ पर भी लिमिट वाला भी समान है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि लिमिट एक्स सी एफ एक्स बराबर एफ सी बराबर है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोस्तों एक से बड़ी सभी वास्तविक संख्याएं, संख्याएं संतत है, एक से बड़ी सभी वास्तविक संख्याएं, तो ये संख्याएं हैं संतत है।
तो आगे हम लिखेंगे दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्या के लिए संतत होगा या है। ओके फ्रेंड्स।